स्वागत है दोस्तों, रेडियो नारद 90.4 एफएम से मैं हूँ आपके साथ आरजे आयशी और प्रोग्राम शुरू हो गया है ज्ञान सागर। जी हाँ दोस्तों, जिसमें हम आपके ज्ञान को करते हैं और भी ज्यादा उजागर। दोस्तों आपको बता दूं, मंगलायतन विश्वविद्यालय में नेशनल सेमिनार ऑर्गेनाइज की गई जो कि 13 और 14 सितंबर को थी। इसके स्पॉन्सर्ड रहे इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च यानी ICHR और इसका विषय था द रोल ऑफ इंडियन विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स इन प्रिजर्विंग द ट्रेडिशनल हेरिटेज यानी पारंपरिक विरासत के संरक्षण में भारतीय दृश्य और प्रदर्शन कला की एक भूमिका, और जिसके बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जो जीवन में कई पद पर कार्यरत रही हैं, जैसे फिलहाल राजस्थान के मेवाड़ यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर जनरल इन आर्ट्स एंड कल्चर हैं। इससे पहले मंगलायतन विश्वविद्यालय में विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स की डीन रह चुकी हैं, आगरा के ललित कला संस्थान की डायरेक्टर रह चुकी हैं, जिनकी करीब 18 बुक्स पब्लिश हो चुकी हैं। अवार्ड्स की बात करें तो उनको गुरु सम्मान कला विभूषण माला मुरादाबाद चिकित्सा कानपुर, स्वास्थ्य सम्मान कला विभूति सम्मान गांधी मेडल अवार्ड कला रत्न जैसे अवार्ड से नवाजा गया है। दोस्तों मैं बात कर रही हूँ पोइट आर्टिस्ट ऑथर एजुकेशनलिस्ट और इस नेशनल सेमिनार की गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर डॉक्टर चित्रलेखा सिंह मैम की, जो की आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। तो मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो नारद में। सुप्रभातम, नेशनल सेमिनार है और मैं इसमें आमंत्रित हूँ। वैसे मेरा ये विचार है कि निमंत्रण से तो तन आते हैं, मन नहीं, पर मैं अपने मन को लेकर आई हूँ आपके मंगलायतन विश्वविद्यालय के एफएम चैनल पर। चित्रलेखा नाम है मेरा और मेरा नाम ही मेरी पहचान है। बिल्कुल बिल्कुल, तो मेरी ओर से सब मित्रों को कला नमन। बिल्कुल मैम, और जैसे कि हमने आपके बारे में इतना कुछ जाना, आपकी सफर की शुरुआत कैसी रही और आपका यहाँ तक का सफर कैसा रहा, कुछ उसके बारे में बताएं। देखिए, मेरा जो नानी का घर था वो बंगाल में था। ओके। और मेरे दादी का घर पंजाब में था। ठीक है। तो पंजाब और बंगाल का एक मिश्रण मेरी जिंदगी में आया। तो नानी चूंकि हमारी बंगाल से थी, सक्तोड़िया जैसे ग्राम में थी, तो वहाँ पर क्या संथाली लोग होते थे, तो संथाली महिलाएं मुझे बड़ी सुंदर लगती थी। एक साड़ी में लिपटी हुई, बालों में फूल लगा हुआ, उनके कुमुद का फूल लगा हुआ, और वो पुकुर पुकुर मतलब तालाब में जा करके वहाँ से पानी भर के लाना, फिर पानी में अपने आप को देखना, फिर वहाँ से फूल तोड़ करके बाल में लगाना, वो जो वास्तविक प्राकृतिक सौंदर्य था वहाँ की नारी में, उसने मुझे बहुत प्रभावित किया। फिर आ जाती है संगीत की बात, तो हमारे घर में ही बाउल संगीत गाते हुए हाथ में तानपुरा टाइप का उनका इंस्ट्रूमेंट होता, उसे लेकर के आ जाते थे, रसगुल्ला लेकर के बंगाल की बोली की मिठास को लेकर के घर में भी सेल करने आते थे जी। और शरद चंद्र, बंकिम चंद्र, इन सबको पढ़ते पढ़ते हम बड़े हुए, बहुत लिटरेरी फैमिली थी हमारी। तो बचपन की दहलीज को क्रॉस करते करते जैसे हम आगे बढ़ते गए, मेरी माँ चित्रकार छाया रानी गुप्ता बहुत अच्छी चित्रकार थी और मेरे पिता बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट थे। फिर पढ़ाई शुरू हुई जी, हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए, पीएचडी, डीलिट। तो फादर चाहते थे कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूं। ओके। और मेरे जो गुरु थे एचओडी आरपी शुक्ला जी, आकर के उन्होंने कहा कि भाई ये चित्रा हमें दे दो, ये एमए करेगी और एमए करने के बाद में हम देखेंगे, इनका भविष्य मैं बनाऊंगा। ओके। मुझे ऐसा लगने लगा कि कुछ और करना चाहिए, अभी सेटिस्फाइड नहीं हुई हूँ। तो मैंने भारतीय चित्रकला में शिफ्ट 1600 से 1900 का कार्य किया। हम तो जब काम करते हैं तो एक जुनून के साथ काम करते हैं, बाद में पता लगा कि भाई हम तो विश्व के प्रथम डीलिट हो गए चित्रकला विषय में एज वुमेन जी। तो बड़ा अच्छा लगा ये भी सुनकर। ओके। तो ये अवार्ड हमारे लिए तो गर्व की बात है, बड़े गर्व की बात है। बिल्कुल। 24 घंटे में से हम 18 घंटे लगातार लिखते पढ़ते, सितार बजाते और ये सब करते हुए जिंदगी गुजर रही थी। जो लिखने का काम शुरू करा, आज मेरी 55 किताबें छप चुकी हैं। okay. और 11 किताबों में मैं मेरे फादर, जिनको मैं अपना गुरु, अपना गाइड, सब कुछ मानती हूँ, 3 किताब हमारी 3 जनरेशन ने लिखी, मैं और मेरी डॉटर डॉक्टर दीपिका सिंह एंड मेरे फादर प्रेमनाथ गुप्ता। तो पिताश्री ने तो मुझे पेन दिया और माताश्री ने मुझे तुलिका दी। okay. तो इन दोनों के मिश्रण से जो भी कुछ हूँ, चित्रलेखा आज आपके सम्मुख हूँ, और कला के क्षेत्र में आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि एनसाइक्लोपीडिक हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट जो 5 वॉल्यूम में ऑक्सफोर्ड एबीडी ने पब्लिश करा है जयपुर से, वो जो मेरी किताब है वर्ल्ड वाइड, उसको बहुत इम्पोर्टेंस मिली
और ये UGC की रिसर्च एसोसिएटशिप फेलोशिप थी जो मुझको मिली, और मुझे 3-4 स्कॉलरशिप जो भी मिले UGC से ICHR से वो सब फर्स्ट टाइम मिली, जैसे रिसर्च एसोसिएटशिप है या मेजर प्रोजेक्ट है या शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स हैं। पर फाइन आर्ट के इस पोजीशन तक पहुंचने के लिए हमने बहुत बहुत मेहनत करी। एग्जैक्टली, ब्यूटीफुल मैम, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने इसको बताया मुझे। साथ ही जैसे आप फाइन आर्ट से जुड़े हुए हो, तो फाइन आर्ट्स की शुरुआत कैसे हुई, इसका इतिहास क्या रहा, कैसे भारतीय कल्चर में फाइन आर्ट्स का जन्म हुआ, उसके बारे में कुछ। इस दुनिया में जो प्रथम चित्र बना वो हमारे हाथों की छापा कला, हाँ एग्जैक्टली, है ना, कि जो हमारे शैल चित्र जो बने, और ये आदि मानव जो थे जो वस्त्र भी धारण नहीं करते थे, निर्वस्त्र रहते थे, वो लोग जब खुश होते थे जी, तो अपनी खुशी का इजहार कैसे करते थे, जमीन में लथपथ मिट्टी से, कीचड़ से, या चूना पड़ा है, कोयला पड़ा है, उसको हाथ में लेकर के उसमें हाथों को रंग के देख के खुश होते थे, और दीवारों पर शैल चित्र बना देते थे, दीवारों पर वो छाप छोड़ देते थे। तो वहां से जन्म, वहां से जन्म हुआ, और ये सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में आप देखें, और वही हाथों की छाप आज की तारीख में भी आप देखेंगी। तो जब हमारे घर में दुल्हनिया आती है जी, तो सबसे पहले हल्दी भरे हाथों से हम अपने घर के दरवाजे पे उसकी छाप लेते हैं जी, लक्ष्मी का आगमन होता है, तो प्रथम चित्र हमारे ये थे। ओके मैम, वही अगर बात करें सोसाइटी की, तो फाइन आर्ट सोसाइटी से कैसे रिलेटिव है, या इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है सोसाइटी के ऊपर, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे। देखिए, कला समाज का दर्पण है जी, समाज में जो भी कुछ हो रहा है वो हमारी कला में दिखता है। ओके, मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ आपको। बंगाल में पड़ा बहुत बड़ा अकाल, और लोगों के तन में कपड़ा नहीं था, मुख में भोजन नहीं था, दे वर डाइंग। नंदलाल बोस और बंगाल स्कूल के जो कलाकार थे जी, वो सारे कलाकारों ने कहा कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि समाज के लिए हम कुछ कर पाए। तो हुआ ये कि उन्होंने उनके चित्र बनवाए, चित्रों की बहुत बड़ी प्रदर्शनी लगाई गई। जैसे ही वो प्रदर्शनी प्रदर्शित हुई कोलकाता में और देश विदेश में जी, तो लोगों ने उसे देखते ही देखते हजारों हाथ आगे आगे, उन्होंने उनको वस्त्र पहना दिया, उनको भोजन दे दिया, उनके रोग की व्यवस्था कर दी गई। इस तरीके से देखिए कलाकार का कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि वो समाज का दर्पण हो गए। ओके, समाज में जो घटित हो रहा था उसको चित्रित किया, और उसको चित्रित करके लोगों तक पहुँचाया। इस प्रकार से मैं कहूँगी कि समाज ये चोली दामन का साथ है। बिल्कुल मैम, और आप तो फाइन आर्ट से बहुत समय से जुड़े हुए हो, तो आपको बहुत गहरी नॉलेज होगी, लेकिन आज के स्टूडेंट जो हैं, जो कला के क्षेत्र में अपना भविष्य देखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो उनको ऐसे अपने अंदर क्या स्किल्स डेवलप करनी चाहिए, और किस तरह से अपने आप को तैयार करना चाहिए जिससे वो करियर में भी आगे बढ़े, और साथ ही उनका नाम भी बने, उनकी पहचान भी बने। अगर हम विश्व गणना की बात करें जी, कि कौन सा बिजनेस है जो सर्वोपरि है जी, नंबर वन पर है, तो मैं कहूंगी सेलिंग ऑफ पेंटिंग। ओके, हमारी चित्रकला जो है विश्व का सबसे बड़ा बिजनेस का माध्यम है। ओके, एक पेंटिंग जो करीब समझ लीजिए 500 रुपए हमारा खर्चा आया उसपे, कैनवास को ले लीजिए, कलर ले लीजिए, लेकिन जो थॉट है दैट इज प्राइसलेस, जो पेंटिंग में दर्शाया गया है दैट इज थॉटलेस जी। तो उस थॉट को जब वो खरीदे कैनवास पर जीवित कर देता है, तो वो अनमोल हो जाता है, प्रेशियस हो जाता है। आज हमारे भारत के जो चित्रकार हैं, वो दुनिया के किसी भी चित्रकार से कम नहीं है। वही बात मैं अपने विद्यार्थियों को कहना चाहती हूँ कि आप पहचानो अपने आप को, आपके अंदर बहुत गुणवत्ता है जो छिपा हुआ है जी। अक्सर क्या होता है कि हम अपनी एनर्जी का 30-40% भी नहीं यूज करते। जिस दिन हमारे विद्यार्थी, हमारे कलाकार अपने आप को पहचान जाएंगे, हम क्या कर सकते हैं, दुनिया में जाना पड़ेगा। और भेज दीजिए अपनी पेंटिंग UK में और दुनिया में, देखिए कैसे नहीं सिलेक्शन हो। बहुत ही अच्छा संदेश भी है मैम ये बच्चों के लिए, साथ ही जैसे आपके प्रोफेशनल करियर में बहुत सारे उतार चढ़ाव भी आपने देखे होंगे, और बहुत से स्टूडेंट से भी आप मिले होंगे जिनकी अलग अलग कहानियां होंगी, कोई स्टूडेंट की ऐसी कहानी हुई हो जो आपको मोटिवेट की हो, कुछ उसके बारे में साझा करना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल करना चाहूंगी। अभी मेरी लेटेस्ट एक किताब आ रही है, हाँ, जिसका नाम दिया है मैंने मेरे सहयात्री मेरे पथ प्रदर्शक। okay. जीवन के इस मुकाम पर पहुंचते पहुंचते मैं बहुत बड़े बड़े लोगों से मिली हूँ, okay. चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे KK हैबर जी हो, चाहे KK मोहम्मद जी हो, पर मुझे ऐसे विद्यार्थी मिले जिनकी बात अगर मैं करूँ तो
आंखों में आंसू आने लगते हैं उनकी कहानियों को याद करके, उनके बारे में जानकर। तो जिस दिन से शायद सर्विस करनी शुरू करी होगी मैंने, उस दिन से अपने विद्यार्थियों के प्रति मैं समर्पित हो गई। एक मेरा विद्यार्थी था ललित कला संस्थान में, तो उनको रहने की भी कोई जगह नहीं थी, मैंने वहीं रहने की व्यवस्था करवा दी ललित कला संस्थान में। वहाँ के पियोन ने मुझे बताया कि मैम आपको मालूम है कि हर रोज सुबह कच्चे कच्चे अमरूद तोड़ लेते हैं इस पेड़ से। तो मैं मना भी करता हूँ, मत तोड़ो भाई, अमरूद अभी पक जाने दो तभी इसको तोड़ना, पर वो रोज तोड़ लेते थे कच्चे अमरूद। बाद में मुझे पता लगा, अभी भी मेरा दिल भर जाता है जी जी, कि वो कच्चे अमरूदों को तोड़कर बॉयल करके उसको खाते थे। उससे उनके कई दिनों की बात चली। जैसे ही मुझे पता लगा ये, आप सोचिए मेरे तो खाना नहीं खाया गया खड़े हो जाते हैं। और आगरा में एक बहुत बड़ी कपड़े की शॉप थी, मांगलिक एंड सन्स की बात करें, उनके मालिक से मैं मिली और मैंने कहा एक मेरा स्टूडेंट है बहुत अच्छा चित्रकार है, आप उनकी कुछ पेंटिंग खरीद लीजिए, उनको जरूरत। उनको ले करके आई और आकर के पेंटिंग सेल करवाई, उन्होंने उसकी पेंटिंग खरीदी और वो श्री राधा जी की चित्र बनाते थे, श्री राधा जी के चरण ही बनाते थे और वो शुरुआत हो गई थी उनकी जी। आज वो मूर्तिकार की लिस्ट में टॉप लिस्ट में है, बहुत बड़े ऑथर भी हो गए हैं, बहुत अच्छे राइटर हो गए हैं। लेकिन एक ऐसा टाइम था कि उनको भी ना उस दिन लंच नहीं लिया था या खाने को नहीं था, जो भी था, तो मेरे पास आए तो बहुत ही हिचकते हुए, कलाकार बड़े भावुक होते हैं exactly. वो स्वाभिमानी होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं ना, बड़ा सेल्फ रेस्पेक्ट होता है। तो बात बात में मैम कुछ कुछ मैंने कहा क्या क्या बात है, तो वो बोलते कि मैम आज मेरे को भूख लग रही है, खाना नहीं खाया मैंने, बस जी मैंने पर्स खोला, भाई जान हमेशा मेरे पास होता था कुछ, उस दिन मेरे पास केवल 10 रुपए थे उस पर्स में, यू वोंट बिलीव, तो वो 10 रुपए ही मैंने निकाला और मैंने उनको दे दिया। उसके आंखों की वो जो चमक थी कि 10 रुपए से मैंने वो दिया, जैसे तो भी कह रहे कि मैम आपने तो पर्स अपना खाली कर दिया। मैंने कहा नहीं मुझे कोई जरूरत नहीं, गाड़ी है मेरे पास, लेकिन इस समय आपको जरूरत है। आज वो इतना बड़ा मूर्तिकार इतना हो गया है कि घर पर मैं हूँ ना हूँ, दिवाली और शिक्षक दिवस के दिन वो दोनों आते हैं मेरे घर की दहलीज पर, प्रणाम करके जाते हैं, मैं वहाँ रहूंगा। तो मैं सोचती हूँ कि जीवन में धन इसके सामने सब खत्म है, इस प्रेम के सामने। बिल्कुल मैम, बहुत ही अच्छे वाक्य बताए आपने और कहीं ना कहीं मैं भी इमोशनल हो गई इसी के साथ। बहुत से स्टूडेंट्स, बहुत से श्रोता, अलग अलग एज के श्रोता इस समय आपको सुन रहे हैं, तो आप अपनी कविता के माध्यम से क्या संदेश देना चाहोगे? अच्छा, कलाकार जब तक रोमांटिक नहीं होगा ये तो उसका जैसे कहते हैं तड़का है। एग्जैक्टली, मेरी कविता का शीर्षक है ओझल जी। जब मैं चांद को देखूं, जब मैं चांद को देखूं तो ए हवाओं तुम बहना छोड़ दो, ए हवाओं तुम बहना छोड़ दो, कहीं तुम्हारी साए साए की धुन में मैं बहक ना जाऊं, ए बादल तुम छिप जाओ किसी कंदरा में, कहीं तुम्हारी छाया भी न पड़ जाए मेरे चांद पर, कहीं तुम्हारी छाया भी न पड़ जाए मेरे चांद पर, चिड़ियों तुम भी सुन लो कुछ समय के लिए, तुम भी ची ची करना छोड़ दो, कहीं मेरी तंद्रा न भंग हो जाए, क्योंकि मैं सब प्रेम में हूँ, मैं उस अक्स के साथ जुड़ी हुई हूँ, कहीं मेरी तंद्रा न भंग हो जाए, गायों गायों तुम भी रंभाना छोड़ दो, बांसुरी तुम अपनी मीठी तान भी छोड़ो, बांसुरी तुम अपनी मीठी तान भी छोड़ो, हो जाओ प्रकृति, अब नेचर से रिक्वेस्ट है जी, हो जाओ प्रकृति तुम भी खामोश, बहुत खामोश, बिल्कुल खामोश, क्योंकि अब चांद है और मैं हूँ, क्योंकि अब चांद है और मैं हूँ, हम दोनों के मध्य कोई नहीं, चांद के अक्स में आज देखा है वह छवि तुम्हारी, चांद के अक्स में आज देखा है वह छवि तुम्हारी, वह श्यामल मुस्कान लिए, वह श्यामल मुस्कान लिए, देखने तो आज जी भर कर मुझे, कहीं मेरी पलक झपकते वो छवि ओझल ना हो जाए, वो छवि ओझल ना हो जाए, वो छवि ओझल ना हो जाए। वेरी ब्यूटीफुल मैम, बहुत ही अच्छी कविता सुनाई आपने। और दोस्तों आज आपने फाइन आर्ट से जुड़ी बहुत सी बातें देखी होंगी, फाइन आर्ट से जुड़ने के बाद आप कला के क्षेत्र में किस तरह डूब जाते हैं ये आप आज हमारे इस सेशन से समझ ही गए होंगे।
साथ ही चित्रलेखा मैम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैम आप रेडियो नारद से ही नहीं जुड़े बल्कि हमारे श्रोताओं को आपने बहुत डीप नॉलेज भी दी फाइन आर्ट्स को लेकर, और कला से हमारे ऊपर कितने इम्पैक्ट पड़ते हैं उस बारे में हमने जाना। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं मंगलायतन विश्वविद्यालय के रेडियो। थैंक यू सो मच मैम। इसी के साथ दोस्तों अभी मेरा भी वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। फिर लेकर आऊंगी आपके लिए एक नया खास विषय और जानेंगे उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी अजय याशी को दें इजाजत। रेडियो नारद 90.4 FM। जैन जैन की मंगलवाणी।